नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने सुधीर फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जी हाँ साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग बीटीयूपी के स्टूडेंट हैं, चाहे डी फार्मा का बैक पेपर हो या पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट हैं या डी फार्मा आपका फर्स्ट ईयर है, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आप लोग बीटीयूपी की जो डिफार्मा है पॉलिटेक्निक की कॉपी कैसे आती है, कितने पेज की आती है, कैसे कॉपी लिखना है, कैसे आपको कॉपी भरना है, किस प्रकार से आपको फिगर बनाने के लिए ध्यान देना है, और संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ताकि आप कौन सी गलती नहीं करें जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट रुक जाता है या बैक आ जाता है या ईयर बैक आ जाता है, कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए आपको एग्जाम देने से पहले। इसलिए आप लोग हमारे साथ अंत तक अवश्य जुड़े रहिएगा। उसके साथ साथ में यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि चैनल पे हम आपको बीटीयूपी डी फार्मा पॉलिटेक्निक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से लाते रहते हैं। यदि आप लोग किसी भी अन्य टॉपिक पे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा, जिस प्रकार से आप लोग डिमांड करेंगे अगला वीडियो उसी टाइप पर बनाया जाएगा। क्योंकि साथियों, बहुत लोगों ने डिमांड किया, कमेंट किया और मैसेज भी हमारे पास आया हुआ था कि हमारा एग्ज़ाम जो है साथियों बस 2 दिन बाद है, तो इसके कॉपी के बारे में थोड़ा डिटेल बता दीजिए। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है एग्ज़ाम से पहले, जी हाँ, एक दिन पहले ही आपको ध्यान देना, जैसे आपका 16 तारीख को एग्ज़ाम है, 15 तारीख को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना टाइम टेबल देखना है अपने एडमिट कार्ड में या कॉलेज से टाइम टेबल देखना है। टाइम टेबल देखने के बाद आपका कौन सा सब्जेक्ट है, सबसे पहले इसको ध्यान देना है, और टाइमिंग का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि साथियों बहुत सारे स्टूडेंट टाइमिंग भी मिसिंग कर देते हैं, क्योंकि इसका किसी का मॉर्निंग में रहता है, किसी भी आफ्टरनून यानी दोपहर में रहता है, किसी का इवनिंग यानी शाम को रहता है, तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको ध्यान देना है आपको डेट और टाइमिंग का। आप एक घंटे पहले ही अपने कॉलेज में अवश्य पहुंच जाइए जहां पर आपका एग्ज़ाम है, ठीक है साथियों। उसके बाद आप जब वो लाइन लगाने के बाद आप अंदर जाते हैं, आप एक कोशिश कीजिए आप सबसे पहले वहां पहुंचें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आपको आसपास देखने को मिल जाएंगे, वहां बैठे रहेंगे, गप सलाका करते रहेंगे, अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। आप एक घंटे पहले कॉलेज में पढ़िए, पहुँच जाइए, उसके बाद आधे घंटे आप अपना थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन वगैरह देख सकते हैं, उसके बाद जैसे ही एंट्री होने लगे आप सबसे पहले जाइए, लाइन लगा के अंदर घुस जाइए, उसके बाद आपको कॉपी मिलेगी। सबसे पहले अब आपका विस्तृत हो, जब आप अस्थाई रूप से बैठे रहेंगे, आप मान लीजिए कोई पेन हो गया, आपका रिजल्ट एडमिट कार्ड हो गया, आप भूल गए हैं बाहर, आप पहले से आए रहेंगे तो आप जाकर ले सकते हैं, जब आप अचानक आ जाएंगे तो आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा, आपके क्लास टीचर भी आपको रोकेंगे डांटेंगे, तो ऐसा नहीं करें। आप अपने साथ जो भी कॉपी पेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अपने साथ ही रखना है, मोबाइल वगैरह बाहर रखना है, ताकि आपको बार बार क्लास टीचर आपको डिस्टर्ब ना करे। और जैसे ही कॉपी मिलती है आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, इसमें आपको रोल नंबर, आपको हिंदी में लिखना होता है शब्दों में, और अंकों में लिखना होता है, ठीक है, ये चीज़ें गलत नहीं होना चाहिए, ये विशेष आपको ध्यान देना है। मेन चीज़ें क्या हैं, आपका रोल नंबर, अनुक्रमांक जो है, और गिनती में लिखना होता है, शब्दों में लिखना होता है, और उसके बाद जहाँ पे आपका कौन सा सब्जेक्ट का है, किस चीज़ का पेपर है, उसको आपको विशेष ध्यान देना है। चाहे आप रुके रहिए, कॉपी ना भरिए, आप अपने जो है कौन सा सब्जेक्ट है उसको पूर्णतया जो है पेपर जब आ जाए आपके सामने उसको देख कर भर लीजिए, लेकिन गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। हो सके तो आप लोग काले बाल पेन का ज़्यादा उपयोग कीजिएगा, ताकि वो अच्छे से चलता है और पढ़ने में भी ठीक ठाक आता है, आप नीले पेन का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जो भी कलम है बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, और जो भी रहता है आपका डेट और टाइमिंग वहाँ पर सब लिखना होता है। और बात कर लेते हैं, आपकी कॉपी 30 से 36 पेज के आसपास आती है बीटीयूपी की, और टोटल काफ़ी साथियों, चाहे आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हों या पॉलीटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, आपको कॉपी के बारे में नॉलेज नहीं है, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको कॉपी देखने को मिल सकता है, यानी कि कोई भी लाइनिंग की व्यवस्था आपके कॉपी में नहीं रहती है,
आपको लाइनिंग करना होता है। एक लाइनिंग आपको यहाँ से यहाँ ऊपर कीजिए, एक लाइन यहाँ से यहाँ कीजिए। बहुत ज़्यादा उसमें लाइनिंग खींच कर आप उसको पेज को कम करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। आप उसको लाइनिंग कर लीजिए, पहले से आप बैठे रहेंगे तो आप पूरी की पूरी कॉपी 30-32 पेज जो भी है आप उसको पहले लाइनिंग करके बैठे रहिए, ताकि आपको जब आपको पेपर मिल जाए, पेपर की बात करते हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका B2P का पेपर आता है। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे थे, क्या हम अपना पेपर केवल इंग्लिश में ही दे सकते हैं, हिंदी में नहीं दे सकते हैं? साथियों, ऐसा नहीं है, आप अपना एग्ज़ाम जो है हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आपने पढ़ा हुआ, जिसका आंसर आप उस भाषा में आप अपना आंसर दे सकते हैं। वहाँ पर इस बातों को ध्यान रखना है, जैसे कि आप लोग जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, ज़रूरी नहीं है आप लाइनिंग की जैसे एग्ज़ाम में पूछा गया है पेपर में वैसे ही लिखें, ऐसा नहीं। जिस चीज़ की जानकारी आपको सही और सटीक हो उसको पहले लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको क्लास टीचर जो आपका एग्ज़ाम ना रहे उस पर ध्यान दे, हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा हुआ है जिससे कि उसने सही सही आंसर लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप लोग अपना आंसर लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब दीजिए और सही जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है बहुत सारे ऐसे बोल देंगे आप कुछ भी लिख देंगे, आप कुछ भी लिख दीजिए, अरे कुछ भी क्या लिख देंगे, जो पूछा गया उससे रिलेटेड लिखेंगे तो उसको आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोग किसी के बहकाव में मत आइए, कोई बोल कुछ भी लिखे, कुछ भी नहीं, उससे रिलेटेड जो पूछा गया है उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखिए, ठीक है। 2 से 3 बार लिख दिए घुमा फिरा के, जो भी भाई आपकी कला है, मानसिक रूप से आप जितने अच्छे उसको बना सकते हैं, ऐसा नहीं जो एग्ज़ाम में आपके क्लास में पढ़ाया वही लिखिए, आप अपने हिसाब से अच्छे से अच्छे उसको लिखने की कोशिश कीजिए। आपका 80 नंबर का पेपर होता है, आपको 40% पासिंग मार्क होता है, यानी कि 23 से 24 नंबर तक, 25 नंबर तक आप लोग पा जाएंगे 80 में से, तो आप लोग आसानी से पास हो सकते हैं, ठीक है। ये था आप सभी साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके आप लोग अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही हम बात कर लें डी फार्मा की मार्कशीट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट के बारे में, जो 2023 में पास आउट हुए हैं साथियों, तो उनको बहुत जल्द 2 जनवरी के लास्ट वीक तक आप लोगों का डिप्लोमा की मार्कशीट और सर्टिफिकेट मिलने की संभावना है। जैसे ही आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कर देंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सुधीर फार्मेसी के साथ। थैंक यू।